अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया है परवन मसाला। चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है इतना टेस्टी और लज्जतदार परवन मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने 300 ग्राम परवल ले लिया है, जिसे हमने ऊपर से छील लिया है और फिर से चार टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा सी आलू छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। छोटा प्याज बारीक काट लिया है। थोड़ा जीरा, एक हरी इलायची और कुछ लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा और हरी मिर्ची और लहसुन को हमने दरदरा पीस लिया है। एक टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं। मसालों में हमने एक चम्मच लाल मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, नमक अपने स्वाद के हिसाब से और ये सब्जी मसाला, ये घर की होममेड सब्जी मसाला है तो ये डालेंगे हम। चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है परवल मसाला। हमने कढ़ाई ले ली है, हमने उसमें तेल डाल दिया है। अब हमारा तेल हो चुका है, हम इसमें अपने परवल को फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। हम इसी तेल में अपने आलूओं को फ्राई करेंगे। अच्छे से इसे भी फ्राई कर लेंगे उसी तरह। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे उसी परवल के साथ। फ्राई हो चुके हैं, अब हम उसी तेल में अपना जीरा और इलायची और प्याज डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा गोल्डन फ्राई करेंगे। हमारा प्याज हो चुका है, अब इसमें हम अपने जो लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट था उसे डाल दें और इसे थोड़ा चला लें। इसमें हम अपना टमाटर डाल लेंगे। इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। पानी इसे अच्छे से 2 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं अच्छे से। हमारा मसाला, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम अपनी सब्जी मिला देंगे और इसे मिलाएंगे। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, फिर हमारी सब्जी देखिए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर है। अब देखते हैं हमारे परवल पके हैं कि नहीं। हमारे परवल एकदम तैयार है, रेडी है खाने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग भी बनाएं मेरे तरीके से आलू परवल मसाला। चलिए इसे अब इसे थोड़ा कोथमीर मिलाते हैं, हरी धनिया डाल दी है मैंने, अब इसे डिश आउट करते हैं।